हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा, आज मैं आपके साथ कटिंग पे बात करने वाली हूँ। उस समय मैं कटिंग ही लगा रही हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है, बारिश बिल्कुल रोज़ ही होती रहती है, दिन भर तो होती रहती है लगभग। तो काफ़ी ज़्यादा देखिए कितने सुंदर टिकोमा के फूल खिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये प्लांट हमारा, बहुत ही प्यारा सा है। तो येलो टिकोमा है ये। और इधर मेरे जो हाइब्रिड हिबिस्कस हैं, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई, कुछ में तो कलियाँ भी बनने लगी हैं। जैसे ये रेड वाला है, इसमें देखिए कलियाँ भी आनी स्टार्ट हो गई हैं यहाँ से। तो देखिए फिर से इसके पत्ते कुछ खाए हुए हैं। और आज हम बात करने वाले हैं डहेलिया की कटिंग पर। तो इस समय मैं डहेलिया की कटिंग लगाने वाली हूँ, तो मौसम अच्छा है तो हो सकता है अभी ही ग्रो हो जाए, नहीं तो ये सितंबर अक्टूबर में भी इसकी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो होती है। लेकिन जब हम अक्टूबर में कटिंग लगाते हैं तो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो अगर अभी से हमारी कटिंग लग जाती है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं बस वही ट्राई करने वाली हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह से पुराने प्लांट हैं, लास्ट ईयर के बल्ब से ग्रो हुए प्लांट हैं, तो आप कटिंग लगा करके और न्यू प्लांट उनके तैयार कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिले। तो देखिए मैंने एक ब्लेड ली है, ब्लेड से मैंने ये कट कर लिया है और बिल्कुल छोटी छोटी कटिंग ले रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बड़ी कटिंग नहीं लूँगी, छोटी छोटी सी ही कटिंग लूँगी। थोड़ी सी पत्तियाँ सिकड़ हो रही है तो उसके लिए मैं फंगीसाइड का स्प्रे कर लूँगी बाद में। और मैंने किया था वैसे, लेकिन एक ही बार किया था, बारिश बार बार होती है तो वो धुल जाता है, तो उसी वजह से ये मतलब नहीं हो पाया क्लियर, मेरी ब्लेड भी गिर गई कहीं पर। तो ये देखिए इस तरह से इतनी छोटी कटिंग, एक नोड कम से कम होना ही चाहिए, आप कोशिश करें कि दो नोड हो। लेकिन मैं अगर यहाँ से कट कर दूँगी तो इसका जो नोड एरिया है वो पूरा यहाँ से जो नीचे से इसमें न्यू ब्रांच आने का चांसेस रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ से कट किया है, क्योंकि यहीं से दोबारा इसमें दूसरी ब्रांच निकलेगी फिर से। तो आप डहेलिया कटिंग लगा सकते हैं, इस समय क्रिसेंथियम की कटिंग लगा सकते हैं, जो भी प्लांट आपके पास मतलब विंटर के भी प्लांट, अभी का जो टाइम है इनमें कटिंग लगभग सभी की कटिंग ग्रो हो जाती है। तो हम ये कटिंग इस तरह से निकाल लेते हैं और उसके बाद मैं दोनों हाथों से कट कर लेती हूँ कैमरे को रख करके, तो ज़्यादा अच्छा बनेगा और आसानी होगी कट करने में, नहीं तो दिक्कत होगी। इसी तरह से देखिए यहाँ से हम कट कर देंगे तो नीचे से और ज़्यादा हेल्दी ब्रांच निकल करके आएंगे, जो दोबारा हम फिर से इनकी कटिंग ले सकते हैं फिर। तो मेरे पास एक ही कलर के हैं सारे, एक प्लांट मैं आपको और दिखा दूँ, फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। ये देखिए मिनिएचर डहेलिया और ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं, बहुत सुंदर सुंदर से फूल खिल रहे हैं। देखिए बारिश के सीजन में डहेलिया कितना प्यारा सा खिल रहा है, ये देखिए तो काफ़ी ज़्यादा और खूब सारी कलियाँ हैं। मुझे लगा था ये अच्छे से खिलेंगे नहीं, लेकिन ये बहुत सुंदर खिल रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा खिल रहा है ये देखिए। तो इसकी भी कटिंग मैं एक दो लगा दूंगी, लेकिन इनमें सब में फ्लावरिंग हो रही है तो मुझे देखना पड़ेगा, जिस ब्रांच पे फ्लावर नहीं आ रहे होंगे वो वाली ब्रांच लेकर के लगा दूंगी मैं इसकी, और छोटी सी कटिंग इसकी भी लेकर के हम लगा देंगे। देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल आ रहे हैं और ढेर सारी कलियाँ हैं, मिनेचर वेराइटी का डहेलिया है और बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग करता है ये भी, देखिए कलर कितना सुंदर है। और इधर हमारे हिबिस्कस, तो ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी साइड से ब्रांच निकली हुई हैं। तो जो ऊपर के पत्ते हैं इनको हम सबको कट करके हटा देंगे, इनमें बहुत ज़्यादा फंगस लग गया है और इन पत्तों को हम बाहर फेंक देंगे निकाल करके। और जो यहाँ के टिप की कटिंग है इसको हम ले लेंगे, ये देखिए, ये देखिए ये कटिंग हमारी हेल्दी है और शायद इसमें कली भी आने लगी थी क्या, पता नहीं देखती, शायद इसमें कलियाँ भी बनने लगी थी, मैंने देखा नहीं, नहीं तो मैं छोड़ देती, खिल जाता है उसके बाद फिर कटिंग लेते हैं हम इसकी। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं कली को हटा दूँगी जो कली आई हुई है, और इसकी इस तरह से ब्रांचेस हम कट करके, ये देखिए पूरे पत्ते कर्ल हो चुके हैं। अब इसे फंगीसाइड का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी, नहीं तो ये जो हमारा डहेलिया का प्लांट होता है फंगस की वजह से ही ख़राब होता है, और ज़्यादा फंगस लगने से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए फंगस लग गया था, मैंने ऊपर से कट करके इसको हटा दिया, और देखिए जो न्यू ब्रांच निकली है वो काफ़ी अच्छी हेल्दी है। तो ये छोटी छोटी सी कटिंग हम इनको भी ले लेंगे, तो इसी तरह से 5-6 कटिंग हम ले लेंगे अभी। और ये देखिए मैंने यहाँ पर ढेर सारी कटिंग ले ली है, और इस तरह से कटिंग हमको लेनी है। नीचे की पत्तियाँ आप हटा दीजिए, ये एक या दो नोड आपके कटिंग में ज़रूर होने चाहिए ताकि आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए। तो एक नोड ये नीचे जाएगा और एक ये वाला नोड भी मतलब यहाँ तक रहेगा, पत्तियाँ पूरी अंदर नहीं करनी है लेकिन नोड के पास तक हम रखेंगे। इसके पास एक ही नोड है तो इसकी मैं पत्तियाँ ये हटा लूँगी यहाँ से, तो इस तरह से हम सबको पत्तियों को हटा लेते हैं पहले।
तो ये देखिए नीचे की हमने सारे पत्तियां हटा दी है और ऊपर से इस तरह से टिप ली है सभी की, नोड को हमने खाली कर लिया है। ये देखिए इस तरह से हेल्दी कटिंग आपको लेनी है अच्छी अच्छी। और जिनकी पत्तियां कर्ल हो रही हैं तो कर्ल वाली पत्तियां आप हटा दीजिए, जो फ्रेश पत्तियां उन्हीं को रखिए, क्योंकि जो कर्लिंग की प्रॉब्लम होती है वो फिर धीरे धीरे पूरे प्लांट को ही ख़राब कर देती है, वो फंगस होता है। और जितनी भी मतलब पत्तियाँ ख़राब थी मैंने सारी ही निकाल दी हैं और जो ऊपर ऊपर की टिप बची थी उन्हीं को रखा है। तो अब हम यहाँ पर लेंगे ये सैंड, आप सैंड ले सकते हैं, वैसे सैंड में कटिंग ज़्यादा अच्छी ग्रो होती है डहेलिया की। मिट्टी में थोड़ा सा फंगस लगने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से सैंड में ही मैं बताती हूँ आपको कटिंग लगाना। वैसे चलने को मिट्टी और सैंड दोनों में चल जाती है कटिंग, बस अपने अपने यहाँ का जो टेम्परेचर और इन्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से होता है जो भी होता है। तो यहाँ पर देखिए ये हमने कल इसको बारिश में रखा था, छूट गया था, ये बारिश में ही रह गया था तो ये गीला हो गया है, इसमें काफ़ी मात्रा में पानी है। और इसको हम इस तरह से होल बना लेंगे, पूरे में सैंड से ही भरा हुआ। सैंड को मैंने छान लिया है, जो कंस्ट्रक्शन सैंड होती है वही वाली है। इसी मैंने अभी कल मैरीगोल्ड की कटिंग भी लगाई थी, आपने देखा है कल वीडियो, अगर आपने देखी होगी मेरी मैरीगोल्ड वाली, तो ये देखिए यहाँ पर, और देखिए कितनी अच्छी फ्रेश एकदम सुंदर दिख रही हैं। अभी ये लगभग 5-6 दिन में ही ये ग्रो हो जाएंगी ये कटिंग सारी हमारी। और मैं ज़्यादातर अपनी कटिंग सैंड में ही लगाती हूँ, मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है सैंड में, और गलने का और ख़राब होने का चांस बहुत कम होता है सैंड में कटिंग लगाने से। देखिए इस तरह से हम होल कर लेंगे, जितनी कटिंग हमारे इसमें आ पाएंगे उतने हम इसमें लगा देंगे और बाकी हम किसी दूसरे गमले में लगा देंगे। तो लगभग 1.5 इंच के लगभग हमने यहाँ पे होल कर लिया है। और अब हमको लेना है थोड़ा सा एलोवेरा जेल, आप लगा सकते हैं यहाँ पर, तो मैं छोटा सा ही पीस लेकर आए, जितना मेरे पास जितने भी एलोवेरा के प्लांट थे सारे रूटिंग हार्मोन के ही काम में आ गए और ज़्यादा मेरे पास अब बचा भी नहीं है ये, तो इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये देखिए इसको हमने थोड़ा सा इस तरह से कट कर लिया। अब जो हेल्दी हेल्दी मोटी मोटी सी कटिंग है उनको पहले मैं लगा दूँगी, इस तरह से हमको डिप कर लेना है इसमें और उसके बाद हमको इसको लगा देना। आप नीचे चाहे तो फंगीसाइड पाउडर भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए एक एक नोड जाएगा तो भी हमारी कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं डहेलिया कटिंग लगाने के लिए, क्योंकि अभी मौसम अच्छा है और उसके बाद फिर बारिश भी नहीं होगी, तो ये विंटर में या तो फिर अच्छे से ग्रो होती है, तो आप अभी जब बरसात हो रही हो तभी आप इनको ग्रो कर लीजिए, तभी अच्छे से ग्रो हो जाती है, तो दोनों कंडीशन में ग्रो हो जाती है ये। तो देख लीजिए आपके यहाँ का मौसम किस तरह से है, अगर मौसम अच्छा है तो आप ज़रूर इनको ग्रो कर लीजिए और कटिंग इस तरह से इनको लगा दीजिए। कटिंग को अभी से हम कटिंग लगा देंगे तो हमारा प्लांट जल्दी तैयार हो जाता है, जो कटिंग से तैयार प्लांट होता है। तो एक एक होल में हम सभी कटिंग को लगाते जाएंगे, और अगर ज़्यादा पास देख लीजिए आप, ज़्यादा पास होल हो रहा हो तो थोड़ा सील ज़्यादा लंबी है, तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नीचे का जो नोड एरिया है वो पास में रहता है तो रूटिंग जल्दी होती है। और इस तरह से हमने इसके दो नोड अंदर कर दिए, तो दो कर दीजिए चाहे एक ही रहने दीजिए, वो वहाँ से ग्रोइंग स्टार्ट हो जाएगी। दो कर देंगे तो और अच्छा रहेगा, जैसे एक से अगर नहीं निकला तो दूसरे से ज़रूर निकल आएगा। तो ये देखिए कटिंग भी है, तो पत्तियाँ आप जितनी कम रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, पत्तियों को आप बहुत ज़्यादा मत रखिए कटिंग में, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता है उससे पत्तियों का और इसका मॉइस्चर भी फिर सूखेगा, तो इसलिए पत्तियाँ कम से कम रखिए आप। और वैसे भी बाद में फिर पत्तियाँ जैसे जैसे पुरानी होती जाती हैं तो गल करके ख़राबी होती हैं और फंगस क्रिएट होता है, इससे अच्छा पत्तियाँ आप शुरू से ही कम रखिए, ज़्यादा मत रखिए। थोड़ा होल कम लग रहा था मुझे, देखिए इस तरह से, आपके पास ज़्यादा गमले हों तो आप अलग अलग भी इनको लगा सकते हैं, मेरे पास इतने ज़्यादा गमले खाली नहीं हैं जिस वजह से मैं सबको एक साथ ही लगा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कुछ गमलों की कटिंग चल जाती है कुछ की नहीं चलती है, तो वो आपके पास ऑप्शन रहता है उस टाइम पे, और मैं तो एक साथ लगा रही हूँ तो इसी में से कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगी, सारी कटिंग हमारी ग्रो ज़रूरी नहीं कि हो जाए, पर फिर भी हमको ट्राई करते रहना है। इस ट्रिप की इस बार की कटिंग नहीं लगी कि मैं दोबारा फिर से ट्राई करूँगी, ऐसा नहीं है, जब जो मैंने अभी कटिंग ली है वहाँ से हम न्यू फिर से ब्रांच निकलेंगी,
तो उसको हम फिर से वापस से फिर से कटिंग लगा सकते हैं और फिर बाद में हम उसको फ्लावरिंग के लिए छोड़ देंगे। लेकिन कटिंग अभी मैं 2-3 बार उनकी निकालूंगी जब ग्रो हो जाएगी, और जितना ज़्यादा हम इनकी कटिंग करते हैं प्लांट हमारा उतना ही ज़्यादा घना होता जाता है, तो वो भी दिक्कत नहीं होती है ऐसी कोई। तो ये देखिए अब बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग बची हैं, और फिर भी 2-4 कटिंग हमारी बची ही जाएगी, किसी दूसरे गमले में मुझे लगानी पड़ेगी उनको। बस यहाँ पे 2 या 3 कटिंग ही आएगी, अब एक यहाँ पर आ जाएगी, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, 3 कटिंग हमारे यहाँ पर और लग जाएंगी। तो देख लेते हैं हम इनको लगा करके। बस 3-4 कटिंग ही है हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। अब बस छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आप विंटर में डहेलिया के फूल अच्छे पाना चाहते हैं तो। और वैसे तो गार्डन में इस बार बहुत ही कम जगह है, देखती हूँ कितने प्लांट लगा पाती हूँ। फिर भी कटिंग तो हमको तैयार रखनी है, जितने के लिए जगह होगी उतने रिपोर्ट कर लूँगी, बाकी के फिर हटा दूँगी। तो इनमें से सारी कटिंग वैसे भी हमारी चलेगी ही नहीं, तो देख लेते हैं हम कितनी कटिंग हमारी लगेगी। इतनी अगर ये लग गई तो मेरे लिए काफ़ी होगी, इतनी अगर सारी इनमें से लग गई तो। 3 कटिंग देखिए हमारी बच गई है, और इनको हम कहीं पर दूसरी जगह दूसरे गमले में शिफ्ट कर देंगे तीनों को। तो इस तरह से हमने कटिंग लगा दिया। कटिंग लगाने के बाद एक बार पानी आप ज़रूर दे दीजिए ताकि प्लांट को पानी अच्छे से मिल जाए। और वैसे इसकी सैंड गीली है, नहीं देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मुरझाएगा नहीं, कटिंग हमारी मुरझाएगी नहीं। तो फिर आपको 15-20 दिन बाद इसमें, मतलब 15 दिन बाद इसमें आप फंगीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं, 10 दिन बाद कर सकते हैं, 15 दिन बाद ना सही तो 10 दिन बाद आप इसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और आप चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन 10 दिन बाद करेंगे तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तब तक में कटिंग की थोड़ी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और कटिंग अच्छे से चलेगी। तो बस 2 ही कटिंग मेरी बची है, इनको मैं कहीं लगा दूंगी और दूसरे गमले में, किसी मिट्टी वाले गमले में ही कहीं पर शिफ्ट कर दूंगी इनको लगा दूंगी। तो ये देखिए इतनी कटिंग हमने लगा दी है, हम थोड़ा सा पानी दे देते हैं इसको ताकि अच्छे से सेट हो जाए, रूटिंग में जो भी एयर वगैरह होगी वो हट जाए, नहीं तो रूटिंग में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए जो बचा हुआ एलोवेरा है इसको हम इसी पानी में घोल करके और यही पानी हम अपने प्लांट पर दे देंगे। आप चाहे तो इसमें फंगीसाइड भी मिला सकते हैं, तो अभी भी मिला सकते हैं क्योंकि हमने फंगीसाइड नहीं लगाया था कटिंग के रूट्स पे, तो आप उसको भी मिला करके प्लांट में डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको ऊपर से दे दिया पूरे प्लांट में पानी को, और हमारी कटिंग अब अच्छे से सेट हो जाएगी और बहुत ही फास्ट ग्रो करेगी। बस इसको हमको छाया में रख देना है, जहाँ पर मेरे सारे कटिंग रहते हैं, जहाँ मैं अपनी कटिंग लगाती हूँ और रखती हूँ, तो यहीं पर इसको भी रख देना है। बारिश में आप इनको कभी कभी बारिश में भी रख सकते हैं, जब भी आपके यहाँ बारिश हो तो आप बारिश में भी रख सकते हैं उठा करके। तो ये देखिए, और इधर हमने हाइब्रिड हिबिस्कस की कटिंग लगाई वो भी चल गई है, इधर कलांचो की लगाई वो भी सारी चल गई हैं, ग्रो हो गई हैं। अब इनकी रिपोर्टिंग हम 1 महीना बाद करेंगे सभी की। और तो इसी तरह से आप भी लगा सकते हैं इस समय। तो बस फ्रेंड्स, इसकी अपडेट के साथ मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय।